Hi everyone, welcome to the topic. This is multiplication of algebraic expressions. In this part of video, we are going to multiply monomials to the monomials or the binomials, trinomials as well as the polynomials. So let's start the video. This is an introduction part also. Now let's start by taking some examples. यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जब आप multiplication करेंगे तो आपको कुछ exponents के rules पता होने चाहिए, indices के rules क्या होते हैं. सेम बेस में अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स यहाँ पे देखोगे x इंटू एक्स, मीन्स x और x सेम बेस है तो ये क्या देगा, x की पावर 2, यानी कि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है. सो x इंटू एक्स सेम बेस है, पावर एड अप हो गई है, 1 प्लस 1 2 दे दिया है. इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है 2x की पावर 3, तो यहाँ पे नंबर से नंबर कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट मीन्स 3 इंटू 2 तो करोगे ही, साथ में x की पावर्स कब क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है. सो 2 और 3 ये दोनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी. हम लिख देते हैं इधर 2 प्लस 3, दैट मीन्स ये तो 3 टू जा 6 है और x की पावर क्या बन गई है, 5 बन गई है. और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं माइनस 2 एक्स की पावर 3 इंटू माइनस 5, यहाँ पे ले लेती हूँ x की पावर 7, ठीक है. सो ये भी मोनोमियल टू मोनोमियल ही मल्टीप्लीकेशन है. दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल. सो मोनोमियल टू मोनोमियल का ही मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 2 इंटू माइनस 5. आपको पता है बोथ निगेटिव, तो आंसर क्या देंगे आपको, पॉजिटिव 10 देंगे. अब x का क्या करोगे, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 7 है, यानी 3 प्लस 7 हो जाएंगी, यानी x की पावर क्या मिल रही है हमें, 10 मिल रही है. ओके, दिस इज हाउ वी डू. और ले लेते हैं एग्जाम्पल. अब हम अगर फ्रैक्शन की पार्टी लेते हैं, 1/2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 3/7 एक्स रेस टू द पावर 7 वाई रेस टू द पावर 6. अब क्या करोगे, सो पहले तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट देखोगे ना, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 3/7 है, सो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाफ इंटू 3/7. अब वेरिएबल्स पे आएंगे, एक्स रखोगे, एक्स रखा हमने, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 7 है, तो पावर एड ऑन हो जाएंगी, सेम बेस दिख रहा है हमको यहाँ एक्स. y पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखो कि y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 6 है, यानी 2 प्लस 6, इसको भी एड ऑन कर लोगे. अब ये सिंपल, अगर क्रॉस कट होता तो क्रॉस कट कर देते, पर ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शंस का. तो 3 वन ज़ा 3 एंड 2 सेवन ज़ा 14, और x की पावर यहाँ पे 7 प्लस 2 क्या देगा, 9, और y की पावर दे देगा आपको 8, ठीक है. तो ये मोनोमियल टू मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन था. कहीं पे आपका डेसिमल होगा तो डेसिमल पार्ट उस हिसाब से हो जाएगा, फ्रैक्शनल का मैंने ले लिया, तो ऐसे करके करेंगे. नाउ कम टू द मोनोमियल टू द बाइनोमियल. यहाँ पे आपको साइन चेंज करना याद होगा. जैसे अगर मैंने ले लिया 3x स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया 2y माइनस 8, ये ले लिया मैंने. यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई होप याद होगी, a इंटू बी प्लस सी क्या देता है, a से पहले b का मल्टीप्लाई करोगे, सेपरेशन साइन प्लस है, प्लस बनाया, फिर ए से सी का मल्टीप्लाई करो, यही करते हो ना, तो वही काम हम यहाँ करेंगे. 3 से पहले 2 का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2, और इसके जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा वाई स्क्वायर. तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. ना सेपरेशन साइन देखोगे प्लस है, तो प्लस बना लीजिए. अब 3 का किससे मल्टीप्लाई होना है, 8 से, 3 इंटू 8, इसके साथ वेरिएबल एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, या 3x स्क्वायर इंटू 8 आप ये भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू 8. अब क्या है ये, 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 24 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया. आप टेक माइनस ऑफ 2 एक्स 3 वाई प्लस 7 जेड. अब क्या करोगे, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताइए अभी आपने आपको. सो माइनस 2 में मल्टीप्लाई होना है 3, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई है, तो एक्स इंटू वाई. नाउ सेपरेशन साइन को ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा. आपको पता है माइनस में प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, माइनस ही देता है ना. सो ये माइनस है, इनसाइड दिस ब्रैकेट प्लस है, तो पहले तो साइन चेंज कर लो, तो प्लस माइनस बन गया माइनस. अब क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 7, वेरिएबल कौन कौन से, यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, ठीक है. अब सिंपल कर लीजिए, माइनस 2 इंटू 3 क्या देगा, माइनस 6 एक्स वाई, और ये दे देगा आपका माइनस फिर से 2 7 जब 14 एक्स जेड. तो ये आंसर आ गया. प्लस और माइनस का भी ध्यान देना है. एग्जाम्पल लेते हैं 6x स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाइड बाई 3y स्क्वेयर जेड माइनस 9 वाई स्क्वेयर, कुछ भी ले लेते हैं. सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड होगा गिवन टर्म से, तो 6 इंटू 3. अब इसके वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई, और इसमें क्या मल्टीप्लाई होना है, वाई स्क्वेयर जेड, ठीक है,
तो वेरिएबल्स को देख लेना जहाँ पे लाइक टर्म्स है, माइनस साइन लगाओगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो सेपरेशन साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आप लगा देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लगाना है, अब 6 किससे मल्टीप्लाइड होना है, 9 से, ठीक है। और इसका वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो वो भी लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर वाई। और इसका वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वो भी तो आप लिखोगे क्योंकि उसके साथ ही तो उसको आना है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 3 18, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और कोई नहीं, वाई की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, 2 + 1 क्या दे देगा, वाई की पावर 3, और जेड माइनस 6 9 54, और फिर से एक्स स्क्वायर एक ही टर्म था, वाई का हमें वेरिएबल मिल रहा है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे y की पावर 1 है, 2 + 1 क्या देगा, 3 देगा। सो इस तरह से ये आपका आंसर ये वाला भी हो जाता है। उसकी जब मैं ले लेती हूँ मोनोमियल टू द पॉलीनोमियल या ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल में वही आप केस करोगे, सपोज कीजिए यहाँ मैंने लिख दिया -3x और अंदर है 2y 3z 7 ले लिया, तो क्या करोगे, एक बार ये से मल्टीप्लाइड होगा ना, और ये ध्यान दोगे साइन का, ये माइनस है अंदर वाला पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा ना, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 देगा, x into y, that means x y. Now again this minus will move to here, plus है अंदर बाहर है minus, plus minus becomes minus sign. ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 3 × 3 क्या बन जाएगा, 9, और variables क्या क्या, x और z है, ठीक है। then again -3 × 7, यहाँ separation sign अपने आप ही change जाएगा, plus minus बन जाएगा minus, और 3x multiplied हो रहा है 7 से। Now अब आप क्या करोगे कि आप multiply कर लोगे -6xy - 9xz - ये आपको क्या देगा, 21x. So ये answer है आपका। तो फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल टू ट्राइनोमियल भी बहुत ईजी है। करेंगे हम इस पार्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम अब देखेंगे कि किसी भी बाइनोमियल को फर्दर बाइनोमियल से या मोनोमियल से या ट्राइनोमियल से या किसी पॉलीनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसको भी देखते हैं। सपोज अब हम ले लेते हैं 3x + 2y, इसको मल्टीप्लाई करना, ये बाइनोमियल है ना, और इसको फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना किसी बाइनोमियल से, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5x + 6y, तो वैसे ही करेंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे अब, ये जो 3x है पहले इसका सेट बनाएंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इसको लिख के दिखाते हैं, 3x किया, अब ये पूरा ब्रैकेट जो आप देख रहे हो ये पूरे ब्रैकेट के टर्म को हम लिखेंगे इधर, ओके। अब सेपरेशन साइन को ध्यान से देखिएगा, प्लस साइन है, प्लस बना लीजिए आप। अब आप क्या करोगे, ये जो सेकंड टर्म है इसका 2y, उसको फिर से इस ब्रैकेट के साथ हम सेट कर देंगे, मतलब रखेंगे हम। अब क्या करोगे, जैसे आप बाइनोमियल से कर रहे थे मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन, सेम वही प्रोसेस है, 3x 5 से मल्टीप्लाई होकर देगा क्या, 15x² x × x, अगर आप यहाँ देखो 3x में मल्टीप्लाई होना है 5x, 3x से मल्टीप्लाई होना है 5x, सो 5 3 15, और x × x क्या देगा, x² दे देगा। अब यहाँ पे देखो कि प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखो। अब फिर से ये फर्दर 3 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म जो है 6y से, यानी 3x में मल्टीप्लाई होना है क्या 6y, मैं से अलग अलग लिख देती हूँ। अब क्या करोगे, ये 2y मल्टीप्लाई होगा 5x से, 2y मल्टीप्लाइड विद 5x, अब ये भी प्लस है बाहर भी प्लस है, इसको ध्यान देना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों सेम साइन है तो प्लस ही बन जाएगा। अब फिर से 2y से 6y का मल्टीप्लाई करोगे, 2y × 6y आपको पता है 12y² देगा, तो इस तरह से ये आंसर क्या देगा, 15x² 18xy + 10xy, 2 × 5 = 10 होता है ना, 10xy + 2 × 6 = 12y². अब लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, लाइक टर्म्स एड ऑन हो, जैसे यहाँ देखो 15x² बिल्कुल भी लाइक नहीं था, कोई और टर्म नहीं, प्लस करोगे 18 में 10 को ऐड कर लेंगे, बन जाएगा 28xy प्लस लास्ट टर्म क्या है इसका, 12y². तो और देखते हैं एग्जांपल, x + 3y, ये एक बाइनोमियल ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें दूसरे बाइनोमियल से, सपोज कीजिए आई टेक 5x² -2y क्यूब ले लिया, ठीक है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे ही प्रोसेस है कि फर्स्ट टर्म जो आपको दिख रहा है 2x, इसको हम इसके साथ पेयरिंग बना देंगे इसकी, 5x² - 2y³, देन बीच में सेपरेशन साइन प्लस, देख रहे हो प्लस साइन लगाया मैंने, और ये वाला टर्म जो है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म था ये सेकंड टर्म था, तो सेकंड टर्म मैंने 3y लिया और इसके साथ हम इसका पेयरिंग बनाएंगे जो आपके पास सेकंड ब्रैकेट में पार्ट दिया हुआ था। अब क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है, 2x में से मल्टीप्लाई करना है 5x² को, ओके, तो लिख लेते हो 2x² में मल्टीप्लाई करना है 5x², सेपरेशन साइन माइनस, देख रहे हो तो माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। फिर से क्या करोगे, फिर से इस 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2y³ से, ये तो मेरा हो गया। अब आप लोग इधर आओगे, कहां पे देखना है हमें, यहां पे देखोगे प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3y मल्टीप्लाई हो रहा है 5x² से। नाउ सी दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो प्लस और माइनस ये दोनों का साइन चेंज करोगे, तो यहाँ पहले साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस बन गया माइनस, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि ये जो आपका टर्म है 3y जो टर्म है इसको अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2y³ से, साइन तो चेंज कर ही दिया मैंने, 3y को मल्टीप्लाई करना है 2y³ से। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हो, 2 5 सा क्या देगा, 10 देगा, x और x² बन गया x³ माइनस 2 2 सा 4 होता है, 4 किया और x × y³ बच रहा है,
प्लस 3 5 का क्या होता है 15 होता है, 15 लिखा और x स्क्वायर y बच गया आपका, और 3 2 का क्या होता है 6 होता है, और फिर y क्यूब और y क्या बन गया आपका y की पावर 4। यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स तो ऐसे है नहीं कि हम इसको ऐड करें, हमारा इतना ही आंसर, यही आंसर है हमारा। ठीक है 3/7 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में मैं ले लेती हूँ 7 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स इंटू 3/4 मैं यहाँ ले लेती हूँ क्यू स्क्वायर। पहले मैंने 7 इंटू लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है आपका 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और 7 पी स्क्वायर माइनस ये क्या देगा आपको 21/4 क्यू स्क्वायर, ये मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया। अब इसको क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ये है इसको ले लोगे 3/7 पी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट को उठाएंगे अब हम, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट हमारा है 7 पी स्क्वायर माइनस 21/4 क्यू स्क्वायर। अब क्या करोगे, सेकेंड टर्म जो इसका बच रहा है 4 क्यू स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करना है, यही जो सेकेंड ब्रैकेट है इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम, माइनस 21/4 क्यू स्क्वायर। नाउ फिर से ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 में 7 का मल्टीप्लाई कितना देगा, कट जाएगा ना ये, तो इसको काट देंगे हम अभी, तो जो बचेगा वो कर लेंगे, पी स्क्वायर ये दोनों पी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई होके क्या देंगे आपको पी रेस टू द पावर 4 देंगे, तो वो भी लिख लेते हैं हम पी रेस टू द पावर 4 माइनस 21/4 क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इससे 3/7 पी स्क्वायर से, तो ये भी लिख लेते हैं 3/7 पी स्क्वायर प्लस इस वाले पार्ट में हम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 4 और 7 दोनों पॉजिटिव है तो प्लस में ही आंसर आएगा, 4 7 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी और क्यू अनलाइक है, माइनस अब क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्यों किया क्योंकि इधर प्लस है ना, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस के इफेक्ट से ये क्या बन गया आपका माइनस बन गया, ओके ये क्या हो जाएगा 4 क्यू में मल्टीप्लाई करना है 21/4 क्यू स्क्वायर। नाउ क्रॉस कट कर लेते हैं, जहां जहां क्रॉस कट हो रहा है, जहां जहां कट रहा है वहां वहां हम काट ले रहे हैं, तो ये तो कटा है हमारा, तो 3 रेस टू द पावर 4 बचा, ये क्या दे रहा है आपको 7 से ये जाएगा 7 3 21 यानी कि 9/4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और फिर से ये 4 और 4 गया तो क्या बचेगा आपका 21 क्यू रेस टू द पावर 3, ये क्यू है ना, ये क्यू की पावर 1 है, ये क्यू की पावर 2 है, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो यही मैंने 21 रेस टू द पावर 3 किया है। अब लाइक टर्म्स को देख लोगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, 3 रेस टू द पी रेस टू द पावर 4 एक ही सिंगल टर्म है, तो ये एज इट इज लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में ये वाले पार्ट्स हैं, तो इसको कहीं रफ में सॉल्व कर लो, 28 माइनस 9/4 कितना देगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना दे देगा 103/4, तो ये आपका दे रहा है पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा था ना 28 बड़ा था, तो क्या हो गया 103/4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 21 क्यू रेस टू द पावर 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है ऐसे कर लिया है, अब बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, एक बाइनोमियल ये ले लिया और दूसरा कोई हम ले लेते हैं 2p माइनस 3q प्लस 4s, ठीक है सिंपल से ले लिया है, ऐसे किसी भी तरह का अब होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करोगे, पहले इस टर्म को उठाएंगे हम फर्स्ट टर्म को और ये सेकंड ब्रैकेट को पिक कर लेंगे, ठीक है तो सेकंड ब्रैकेट को हमने रहा पे इसके साथ रख दिया, ठीक है अब क्या करोगे प्लस वाई सेकंड टर्म को फिर से लेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे थे, प्लस वाई लिया और सेकंड ब्रैकेट को फिर इसके साथ पेयर अप कर दिया मैंने, तो 3q प्लस 4s, अब क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना x इंटू 2p तो क्या देगा 2xp, फिर से ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, साइन माइनस लगाओ क्योंकि माइनस है सेपरेशन, सो 3x क्यों हो गया, फिर से करोगे ये प्लस साइन है तो प्लस साइन करेंगे हम और x का मल्टीप्लाई 4s से करोगे यानी कि 4 टाइम्स xs प्लस प्लस करोगे क्योंकि यहाँ पे भी ये भी प्लस है ये भी प्लस है ना भाई प्लस है दोनों, माइनस होता तो बात अलग हो जाती हमारी, तो ये फिर से क्या हुआ 2yp और फिर से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस है अंदर और बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस बन गया माइनस साइन 3yq बन गया, और फिर से ये भी प्लस है ये भी प्लस है इस टर्म में भी प्लस है आपका, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ys, ऐसे करते हैं हम फर्दर, अगर कितने भी बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल हो या ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल हो ऐसे ही हम सेटिंग करेंगे उसकी, ठीक है और सॉल्व कर लेंगे। आई होप इतना वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू टू एवरीवन।